पग पग पोखेर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सरस क्षेत्र मिथिलांचल थी। भाई और बहनों, अगस्त 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार नेपाल आया था तो संविधान सभा में ही मैंने कहा था कि जल्द ही मैं जनकपुर आऊंगा। मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं तुरंत आ नहीं सका, आने में मुझे काफी विलंब हो गया, और इसलिए पहले तो मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मन कहता है कि शायद संभवतः सीता मैया जी ने ही आज भद्रकाली एकादशी का दिन ही मुझे दर्शन देने के लिए तय किया। मेरा बहुत समय से मन था कि राजा जनक की राजधानी और जगत जननी सीता की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें नमन करूं। आज जानकी मंदिर में दर्शन कर मेरी बहुत सालों की जो कामना थी उस मनोकामना को पूरी कर एक जीवन में धन्यता अनुभव करता। मेरो यश पटक को नेपाल भ्रमण प्रधानमंत्री को रूपमा यंदा पनि प्रधान तीर्थ यात्री को रूपमा आले। भाई और बहनों, भारत और नेपाल दो देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। ये बंधन है राम सीता का, ये बंधन है बुद्ध का भी और महावीर का भी, और यही बंधन रामेश्वर में रहने वालों को खींचकर पशुपतिनाथ लेकर के आता है। यही बंधन लुम्बिनी में रहने वालों को बोधगया ले जाता है, और यही बंधन, यही आस्था, यही स्नेह आज मुझे जनकपुर खींच करके ले आया है। महाभारत रामायण काल में जनकपुर का, महाभारत काल में विराटनगर का, उसके बाद सिमरौनगढ़ का, बुद्ध काल में लुम्बिनी का, ये सम्मान युगों युगों से चलता आ रहा है। भारत नेपाल संबंध किसी परिभाषा से नहीं, बल्कि उस भाषा से बंधे हुए हैं। ये भाषा है आस्था की, ये भाषा है अपनेपन की, ये भाषा है रोटी की, ये भाषा है बेटी की।
ये मां जानकी का धाम है, ये मां जानकी का धाम है और जिसके बिना अयोध्या अधूरी है। हमारी माता भी एक, हमारी आस्था भी एक, हमारी प्रकृति भी एक, हमारी संस्कृति भी एक, हमारा पथ भी एक और हमारी प्रार्थना भी एक, हमारे परिश्रम की महक भी है और हमारे पराक्रम की गुंज भी है, हमारी दृष्टि भी समान और हमारी सृष्टि भी समान है, हमारे सुख भी समान और हमारी चुनौतियां भी समान है, हमारी आशा भी समान, हमारी आकांक्षा भी समान है, हमारी चाह भी समान और हमारी राह भी समान, एक ही है। ये उन कर्मवीरों की भूमि है जिनके योगदान से भारत की विकास गाथा में और गति आती है। साथियों, नेपाल के बिना भारत की आस्था भी अधूरी है, नेपाल के बिना भारत का विश्वास अधूरा है, इतिहास अधूरा है, नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे, नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे। भाइयों और बहनों, आपकी धर्मनिष्ठा सागर से भी गहरी है और आपका स्वाभिमान सागर माथा से भी ऊंचा है। जैसे मिथिला की तुलसी भारत के आंगन में पावनता, शुचिता और मर्यादा की सुगंध फैलाती है, वैसे ही नेपाल से भारत की आत्मीयता इस संपूर्ण क्षेत्र को शांति, सुरक्षा और संस्कार की त्रिवेणी से सींचती है। मिथिला की संस्कृति और साहित्य, मिथिला की लोक कला, मिथिला का स्वागत सम्मान, सब कुछ अद्भुत है और मैं आज अनुभव कर रहा हूं, आपके प्यार को अनुभव कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद का एहसास हो रहा है। पूरी दुनिया में मिथिला संस्कृति का स्थान बहुत ऊपर है। कवि विद्यापति की रचनाएं आज भी भारत और नेपाल में समान रूप से महत्व रखती है। उनके शब्दों की मिठास आज भी भारत और नेपाल दोनों को साहित्य में घुली हुई है। जनकपुर धाम आकर आप लोगों का अपनापन देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया हूं। सब कुछ अपने जैसा, हर कोई अपनों जैसा, सब कुछ अपनापन, ये सब अपने तो हैं। साथियों, नेपाल अध्यात्म और दर्शन का केंद्र रहा है, ये वो पवित्र भूमि है जहां लुम्बिनी है, वो लुम्बिनी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। साथियों, भूमि कन्या
माता सीता उन मानवीय मूल्यों, उन उसूलों और उन परंपराओं की प्रतीक है जो हम दो राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ती है। जनक की नगरी सीता माता के कारण स्त्री चेतना की गंगोत्री बनी है। सीता माता यानी त्याग, तपस्या, समर्पण और संघर्ष की मूर्ति। काठमांडू से कन्याकुमारी तक हम सभी सीता माता की परंपरा के वाहक हैं। जहां तक उनकी महिमा की बात है तो उनके आराधक तो सारी दुनिया भर में फैले हुए हैं।